भाई साहब, आज का जो वीडियो है वो पक्का कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि जो साउथ के लवर्स हैं, साउथ मूवी के सिनेमा लवर्स हैं, उनको चैलेंज करने के लिए बच्चन पांडे आ रहा है। अब देखो, थंडर गरम जो मूवी आई थी, शायद उसका ये रीमेक है। मैंने वो मूवी देखी नहीं, मुझे उसका ट्रेलर भी नहीं पता, मुझे उसका स्टार कास्ट का भी नहीं पता, लेकिन जो मैंने अभी देखा है, जो मैंने बच्चन पांडे का ट्रेलर देखा है, इट इज़ ब्लॉकबस्टर ऑल द वे। सुपर एक्टिंग, अमेजिंग स्टार कास्ट, बहुत बड़ी स्टार कास्ट, एक्शन भरपूर, ब्रूटल, कॉमिक एंड इट इज़ स्टोरी लेड। इतना कुछ है इसके अंदर, आगे पीछे भी स्टोरी चलती है। पहले वाली स्टोरी के अंदर बच्चन पांडे एक खूंखार आदमी है जिसके ऊपर स्टोरी बनने वाली है, पिक्चर बनने वाली है, और वो बनाने वाली है एक मैडम, और वो मैडम जब उसके बारे में पता करती है, पीछे उसकी लाइफ में क्या हुआ होता है, उसकी गर्लफ्रेंड जैकलिन फर्नांडिस होती है, टाइटन फिश, तो कृति सैनन का रोल बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जो इसके ऊपर मूवी बनाने जा रही है। फिर अपने सरकट भैया अरशद वारसी, उसका रोल बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। एक्सटेंडेड स्टार कास्ट अमेजिंग लग रही है। तो जिस तरीके की आपको डायलॉगबाजी चाहिए होती है एक मसाला फिल्म के अंदर, जिस तरीके का एक्शन चाहिए होता है ब्रूटल, एक फियर क्रिएट करने के लिए, वो भी है। डायलॉग्स बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। कॉमिक, अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के बारे में हम ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि इज़ वन ऑफ द बेटर आई वुड से कॉमेडी स्टार्स इन द कंट्री टुडे। और अगर हम ये कहते थे कि बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जो मसाला एंटरटेनमेंट दे ज़रा हमें, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। जो मैंने ट्रेलर देखा, शायद लोग यही एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा कुछ आए, जिसकी वजह से उन्होंने साउथ का रुख कर लिया था, करना चाहिए, अभी भी करेंगे हम लोग, लेकिन इसको तो भाई अब देखने के बाद लग रहा है सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ माइंड ब्लोइंग, इट इज़ सिंपली माइंड ब्लोइंग। मैं अगर सिनेमा घर में पैसे खर्च करके जाऊंगा तो मुझे बिंदास तरीके का एक अलग सा एटीट्यूड चाहिए होगा, खूंखारपन चाहिए होगा, एक नया कैरेक्टर चाहिए होगा, बढ़िया गाने चाहिए होंगे, कॉमिक टाइमिंग चाहिए होगी, थोड़ा सा ओवर द टॉप भी चलेगा तो चलेगा, क्योंकि हम साउथ में भी हल्का सा ओवर द टॉप चलते हैं। प्रेजेंटेशन पे ऊपर सारी बात आ जाती है, यहाँ प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया लग रही है। एक शॉट पर्टिकुलरली आता है जिसमें वो टक 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 करता अपनी आँख के साथ, उसकी पत्थर की आँख के साथ, वो बहुत ही अमेजिंग तरीके का शॉट है जो जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ है। और जो हथौड़े के साथ एक्शन सीन्स हैं वो ब्रूटल करते हैं आपको, एकदम चिल्स देते हैं आपको। हथौड़ा त्यागी था ना, उसकी याद आ जाती है आपको, पताल लोक वाले की, एकदम इतना ब्रूटल है वो। फिर बीच में अचानक से एकदम शिफ्ट हो जाता है जो कॉमिक हो जाता है। तो जैसे बचपन में मेरे फादर को जब दवाई नहीं मिली तो मैंने लोगों को मारना शुरू नहीं करा, फिर वो बोलता है कि नहीं 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 मेरे को मारने में मज़ा आया, फिर और मज़ा आया, फिर मैंने और मारा। तो ये अच्छा है, डायलॉग्स बहुत बढ़िया है, मुझे तो अच्छी लग रही है मूवी। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए ए रहेगा। आई विल डेफिनेटली वॉच इट ऑन 18th of March। नाउ सुपर एक्साइटिंग ट्रेलर, बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। तो मिलते हैं को रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।